चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि क्यूएन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे एंड स्कूल डे न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर्वाइव फेसिली, थोड़ा आपको 6 AM पर ये वीडियो रेगुलर मिले। इसका PDF भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, तो आप इसे ज्वाइन करें, थोड़ा आपको ईजिली ये वीडियो अवेलेबल हो सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाकी ये स्पेशल ऑफर सभी के लिए आज आज लाइव है, 20% ऑफ आपको मिल रहा है लाइव अमन कोड पे। अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो आज ही लीजिएगा, ये लास्ट ऑफर आज ही है लाइव अमन कोड पे 20% डिस्काउंट। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हाल फिलहाल में कौन से भारत के व्यक्ति हैं जिन्होंने 200 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस के लैंडमार्क पर लोगों की सराहना करी है, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं स्टेक होल्डर्स? तो आंसर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया 200 का मार्क जो है क्रॉस कर चुका है, 200 करोड़ का मार्क। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जितने भी वैक्सीनेटर्स हैं उन सभी को जो है क्लोज किया गया है। उसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि बिल गेट्स के द्वारा भी कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है इंडिया को, क्योंकि एक बड़ी अचीवमेंट है, बहुत से देशों में ये अचीव नहीं किया जा सका है। तो सारा जो कंट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट, डॉक्टर, नर्सिस, इन सभी का है, जिस वजह से इंडिया ये कर चुका है। वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया इस समय चला रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर फाइटर्स जो हैं हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर से मीट की है? तो आंसर है असम के चीफ मिनिस्टर के साथ। तो एक ग्रुप है जिसका नाम है मुक्ति योद्धा, जिसको लिबरेशन वॉर वेरियस भी कहा जाता है बांग्लादेश के। तो उन्होंने हाल फिलहाल में विजिट किया है असम में। असम के जो चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्वास है उनके साथ जो है इनका मीटअप हुआ है। और जो भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा या स्टेट का कंट्रीब्यूशन रहा बांग्लादेश की वॉर से लेके, उसको जो है अप्रोच किया गया। उसके अलावा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 ईयर हमारे देश की आज़ादी के होने वाले, इवन 50 ईयर्स इस चीज़ के भी होने वाले हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को जो है लिबरेट कराया था। स्वर्णिम विजय वर्ष इसे कहा जाता है। तो इसी वजह से जो है इसे डिस्कस भी किया गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसमें बांग्लादेश एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, तो बांग्लादेश के साथ जो टाइप है वो हमेशा से जो है स्ट्रॉन्ग ही रखे गए हैं, चाहे हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हो या सेंट्रल इंडिया हो। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। यूनाइटेड जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने हाल फिलहाल में मेमोरेंडम साइन किया है जुडिशियल कॉरपोरेशन में, किसके साथ? तो आंसर है इस क्वेश्चन का मालदीव के साथ। तो ये जो पूरा जुडिशियल कॉरपोरेशन पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, वो साइन किया गया जुडिशियल सर्विस कमीशन मालदीव्स की उसके साथ भारत का। अब डेफिनेटली इसमें किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा कि जो कोर्ट डिजिटाइजेशन है उस पे फोकस किया जाएगा, आईटी के थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ किया जाएगा, क्योंकि जो कोर्ट की डिजिटाइजेशन होती है उससे डेफिनेटली पोटेंशियल जो है इंक्रीज़ होता है जजमेंट का, या कोर्ट की जो प्रोसेसिंग होती है या वर्किंग होती है उस सभी में। तो अभी तक का ये 8th मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो कि इंडिया ने जो है साइन किया है किसी दूसरी कंट्री के साथ जुडिशियल कॉरपोरेशन को लेके, मतलब इससे पहले जुडिशियल कॉरपोरेशन को लेके 7 मेमोरेंडम अदर कंट्रीज से साइन किए जा चुके हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में इंडिया और कौन से देश ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है किया है टू एस्टैब्लिश चीता, मतलब जो हमारे भारत में चीता को जो है लेके आया जाएगा? ये बहुत बहुत रिमार्केबल है, ये मेमोरेंडम हिस्टोरिकल है इंडिया के लिए। तो ये नामीबिया के जो है साथ किया गया है, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट जी के द्वारा जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया गया है कि जो चीता है उसे ब्रिंग बैक किया जाए इंडिया में। और देखिए जो चीता है उसे एक्सटिंक्ट माना गया है इंडिया में 1952 में, और इसकी वजह से एनवायरनमेंट में बहुत सारी दिक्कतें होती है। लार्जर इकोसिस्टम को सेव रखने के लिए जो है चीता की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उनको सेव करने के लिए, सच एस इंडियन वुल्फ बर्ड्स, बस्टर्ड फैमिली, ये सब को जो है सेव रखने के लिए इट्स रिक्वायर्ड। तो ये हिस्टोरिक मूव है जो हम कह सकते हैं, है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने परसेंट अफगानी हैं जो कि ये मानते हैं कि इंडिया अफगान का बेस्ट फ्रेंड है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 69% जो है ये मानते हैं। देखिए डिस्पाइट पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट करे कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन ख़राब हो, लेकिन फिर भी आज भी इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन अगर पीपल टू पीपल देखें वो अभी भी बहुत बेहतरीन है, चाहे तालिबान का कब्ज़ा हो चुका हो। क्योंकि अराउंड 67% अफगानी ऐसे हैं जिनका माइंडसेट ये है कि इंडिया का सबसे बेस्ट
अफगानिस्तान का जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो है इंडिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये डाटा किसके तहत आया, ब्रूसल बेस्ड एक न्यूज़ वेबसाइट है यूरोपियन यूनियन रिपोर्टर, उनके द्वारा। तो दो कंट्री के बीच में वैसे भी एंशंट हिस्टोरिक और कल्चरल टाइज है, बस इसी की वजह से जो है ये डाटा जो है इस लेवल पे आया। देखिए हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर ने इंटरेक्ट किया है इंडियन कॉन्डिन जो कॉमनवेल्थ गेम में जाने वाला है, और कॉमनवेल्थ होंगे कहाँ पे, तो आंसर इस क्वेश्चन बर्मिंघम में होंगे। तो बहुत सारे खिलाड़ी जाने वाले हैं, इससे पहले मैंने एक डिस्कशन इस चीज़ पर किया था कि पूरा टीम के मेंबर कितने होंगे, कौन जो है लीड करेंगे, तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है सभी मेंबर्स के साथ डिस्कशन किया गया, और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए एथलीट्स का जो है ये डिस्कशन किया गया था, और उम्मीद है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है इंडिया करेगा। जैसे कि मैं कुछ खिलाड़ियों के नाम बताना चाहूँगा, जैसे बैडमिंटन प्लेयर जो है ट्रेसा जोली जो कि केरला से हैं, उनके साथ डिस्कशन किया गया। इवन जो है अविनाश साबले जो कि स्टेपल चेस के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, उनके साथ जो है डिस्कशन किया गया। ठीक है, पैरा एथलेटिक शर्मिला फ्रॉम हरियाणा एंड इवन वन ऑफ द फेमस प्लेयर सलीमा तय जो कि हॉकी के अच्छे प्लेयर हैं झारखंड से, जिन्होंने अपना टोक्यो ओलंपिक में भी बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था अभी जो ओलंपिक्स हुए थे, तो इन सभी के साथ जो है डिस्कशन किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। देखिए यूएसए ने हाल फिलहाल में इनिशिएट किया है ट्रेड फाइट कौन से देश के साथ एनर्जी पॉलिसी के ऊपर, तो आंसर है इस क्वेश्चन का मैक्सिको के साथ। देखिए अभी हाल फिलहाल में आप जानते हैं कि यूएसए और मैक्सिको ने जो है अपने विवादों को कम करने के लिए वॉल स्ट्रेटजी वाला भी कंसेप्ट यूज़ किया, जो बाइडेन का भी विजिट हुआ। लेकिन अब एक और मुद्दा आ गया, यूएसए ने एक तरीके से एक ट्रेड फाइट रखी करी है स्टार्ट मैक्सिको के अगेंस्ट, और यूएसए ने जो मैक्सिको के प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैन्युअल, उन्हें एक्यूज़ किया है कि वो फेवर कर रहे हैं स्टेट ओन यूटिलिटी और ऑयल कंपनी को एट द एक्सपेंस ऑफ अमेरिकन बिजनेस, कि मतलब अमेरिकन बिजनेस का नुकसान हो रहा है और वो अपनी स्टेट ओन जो कंपनीज हैं उनको जो है फेवर कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट है, और इनकी इस स्टेटमेंट को डेफिनेटली जो है मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने जो है नकारा है, कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूएसए के ऑफिशियल ने मैक्सिको के ऑफिशियल्स को ये कहा है कि ये दे आर नॉट रिस्पॉन्सिव, है ना, 18 मंथ से ये रिपीटेडली एक चीज़ कह रहे हैं कि आप इस तरीके की फेवरेंस ना करें, लेकिन 18 मंथ से इन्होंने ये कंटिन्यू रखा, तो ये एक मुद्दा बना हुआ है। कौन सी कंट्री है जो हाल फिलहाल में स्क्रैम्बल हो रही है एनर्जी को लेके कि इनको रशिया के गैस पे बिल्कुल भी फेथ नहीं है, तो आंसर है जर्मनी। डेफिनेटली अगर रशिया के अगेंस्ट जाएंगे तो रशिया गैस तो प्रोवाइड करेगा नहीं, तो जर्मनी जो कि लीडिंग एनर्जी एक्सपर्ट है और उनको अभी रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा होता है कि जैसे ये जो देश हैं यहाँ पर जो है विंटर के सीज़न में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो अभी जो है रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया जो है गैस प्रोवाइड करेगा नहीं, तो डेफिनेटली बर्लिन को अदर सोर्स जो है उन पे फोकस करना पड़ेगा, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पाइपलाइन सिस्टम जो है पूरा यूरोपियन यूनियन बैन कर रहा है, तो रशिया सबको तो प्रोवाइड करेगा नहीं, है ना। तो ये एक मुद्दा जो है इस समय बना हुआ, और ये सभी के साथ हाल फिलहाल में कौन से देश में जो है स्पिल हुआ है 30,000 से भी प्लस गैलन ऑफ ऑयल का, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बहामास इसका आंसर है। ठीक है, एक वेसल जो कि डीजल डिलीवर कर रही थी बहामास रिजोर्ट आइलैंड ग्रेट स्वामा में, वहाँ पे स्पिल हुआ 35,000 अराउंड कुछ है, मतलब उससे 30,000 और 35,000 के बीच में है। तो ये जो है अभी हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट की गई है, है ना, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं हमास के, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। हालांकि ये जो स्पिल है इसको कंट्रोल किया गया है, तो इसी ये क्रू के जो मेंबर्स थे उन्होंने इस स्पिल को जो है कंट्रोल करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए, तो ये अपडेट आया है। क्विक पॉइंट देखिए आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में कौन सी मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे जो भी वर्क होगा वो अब वर्क फ्रॉम होम होने वाला, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा कहा गया है। हाल फिलहाल में किसने इनोग्रेट किया है इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव, तो वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। श्रीलंका के अब नए प्रेसिडेंट कौन है, तो रेनिल जी जो है नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। देखिए कल एक सवाल पूछा गया था वडियार डायनेस्टी से संबंधित, किसके कहाँ पर रूल किया गया वडियार डायनेस्टी के द्वारा, तो जूल का आंसर बिल्कुल सही मैसूर। आज का सवाल देखिएगा, इसमें से कौन सा कंपोनेंट है फूड सिक्योरिटी सिस्टम का, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों ये वीडियो डेली 6 AM पर आती है, अगर आप रेगुलर देखते हैं फ़ायदा होगा आपको, इस टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक मिल जाता है प्लस PDF,
यूटिलाइज करिए, रिपोर्ट एडमिन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। देखिए ये ऑफर सिर्फ लास्ट है आज 20% डिस्काउंट का, मतलब इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। आपके पास जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, लाइव अमन कोड यूज़ करिए। बेसिकली सब ऑफर्स जो भी अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है आपको इसी कोड पे 20% डिस्काउंट में मिल जाएगा, ये कोर्सेज आपके पास रहे। ठीक है, इनके अलावा भी जो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बस आप एटलीस्ट ऐसा करिएगा क्योंकि ये लास्ट ऑफर है आज आज की डेट में, तो आप बस एटलीस्ट लाइव अमन कोड को यूज़ करके देखिएगा। इधर यू विल सी कि आपको सारे ऑफर भी मिल रहे हैं ऑटोमेटिकली और डिस्काउंट आपका मैक्सिमम हो रहा है, 10 की जगह 20 हो रहा है। तो आप इसको यूज़ कर लीजिए लाइव अमन कोड को, प्रोसीड टू पे करने से पहले इधर लगाइए। और बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।